तो और भाई लोग, क्या हाल चाल है यार? आज कोई हम लोग एक और नए टीटीएम के गेम प्ले लेकर के भाई लोग, इसमें मैंने वेक्टर चैलेंज किया है, ओनली वेक्टर चैलेंज। पहला किल तो मैं ग्रेनेड से निकाल लेता हूँ और बाकी ये उछलते कूदते मानव आते हैं, इनको हम ट्राई करते हैं लेने का। पर भाई दोनों गन का ऐसे ज़्यादा कूदने लगता है, फिर कैसे करके रिलोड करता हूँ, क्योंकि भाई M24 से कतई डर सा लगता है यार, अजीब सा। क्योंकि एक M24 और K98 है, AWM, ये सब ऐसी गन है ना कि बस पट से छुएगा भी आपको तो आप तुरंत हट जाओगे, तुरंत पीछे आपको वापस लॉबी में जाना पड़ेगा। तब मैं सबका डैमेज कतई आखिरी है। अगर मैं सोचता हूँ कि अगर कभी ऐसा डैमेज वाली गन कोई AR आ जाए तो बात ही अलग हो जाए भाई, हैकर से भी ज़्यादा हम लोग पावरफुल हो जाएंगे। पर भाई इस समय रैंक पुशिंग में क्या हैकर्स मिलते हैं यार, कसम से हैकर्स की वजह से एकदम दिमाग खराब हो जा रहा है गेम प्ले खेलते हैं। पबजी डेवलपर से बस मैं इतना ही कहना चाहता हूँ कि भाई प्लीज़ कुछ करो यार हैकर के लिए। चलो हैकर की बात तो होती रहेगी, अब बात करते हैं अपने गेम प्ले की। ये देखो क्या स्नाइपिंग लिया भाई, क्या स्नाइपिंग लेते हैं भाई, ये सब छू के से, मैं बोला ना एकदम टच हुई नहीं कि आप गए तुरंत, वो होता है। इसलिए मैं पहले ही नेट ले लेता हूँ, क्योंकि अगर यहाँ रहेगा वो तो किल हो जाएगा, पर पहले ही जा चुका था। एक ये बंदा था और एक हाइड्रा करके, दोनों क्या स्नाइपिंग आई, ये रहा हाइड्रा, क्या स्नाइपिंग ले रहे थे भाई कसम से। मेरा तो रैंक पुशिंग चालू में इसके लिए, पांचवा किल भी हो चुका है। बीस्ट भगत को मैं बहुत ही ज्यादा मारता हूँ भाई इस गेम प्ले में। यहाँ पर मेरी रिलोडिंग में आ जाती है तो बंदे सोचते हैं कि अब रश ही कर देते हैं भाई, पर पीछे जानते नहीं कि मेरा बंदा था। इसको भी मैंने बहुत डैमेज देते थे, हेड पे दे दिया था, इस वजह से मैं पीछे से तुरंत घुस जाता हूँ बिना रिलोड किए। फिर से हाइड्रा भाई हमको ले जा चुके हैं PBC। देखो भाई इसको मैं मारता हूँ, ये किसी और पे शॉट ले रहे होते हैं, पर भाई इनको मैं ही ले लेता हूँ अपने अंडर में। एक ग्रेनेड से भी गए हाइड्रा भाई, वेक्टर का ऐसा ये बहुत तगड़ा चलता है ना, तो इस वजह से थोड़ा सा दिक्कत होता है, जल्दी से ख़त्म हो जाती है। पर इससे भी तेज इसकी प्रीवियस वाली थी भाई, वो पहले वाली क्या चलती थी, मस्त होता था उसका। कभी उसमें शायद मेरे ख्याल से 21 एमओ लगती थी ना, 20 पता नहीं, आप लोग कमेंट करना कितनी एमओ लगती थी, मैं तो भूल गया हूँ उसको, नहीं गन आ गई तो। चलो वो तो कदर एकदम उसी की तरह एकदम चलती थी एकदम तेज से, और उसी में से मैं रेड डॉट और होलो लगने लगे तो इस वजह से वो और भी ओपी हो चुकी है। लेके आप लोग यूज़ कर सकते हो उसको, उजी बहुत सही गन हो गई है अब। ये भाई आता है उजी लेके, देखो सामने वाले कदे प्रो थे भाई, मेरे को डर लगने लगा था कि हम लोग ये मैच हार ना जाए, क्योंकि भाई इन लोग की स्नाइपिंग, इन लोग का कवर, सब कुछ बहुत बहुत आखिरी लग रहा था मेरे को। पर कोई नहीं, हम लोग थे, हार नहीं माने, लेते गए। देखो मैं इसको कैसे लेता हूँ, पहले तो डैमेज देता हूँ फिर मैं भी डैमेज खाता हूँ, अब मारेंगे इसको। आजा भाई, ये हो देखो भाई क्या स्नाइपिंग लिया है यार, अरे जहर वाला शॉट ले रहे हैं। वैसे वेक्टर का से स्पीड फायर थोड़ा सा कम हो गया, क्योंकि जो पहले वाली वेक्टर थी जिसमें शायद मेरे ख्याल से 21 एमओ लगती थी, वो बहुत ही ज़्यादा बेहतरीन गन थी, क्योंकि उसका फायरिंग रेट बहुत तगड़ा था। और मेरे ओपिनियन में तो ये वाली जो UMP-45 आई है ये मेरे को सही लगती है क्लोज कॉम्बैट में, अगर आप जैसे पूछेंगे या फिर वहाँ पर उतर रहे हो, क्या बोलते हैं जो वहाँ पर आपके बहुत काम आने वाला है वो गन भाई। पर पीछे से ले जाते हैं M762 से,
सबसे ज्यादा मैं इन्हीं को मारता भी हूँ, वीर भगत को। जब भी जाओ यही भाई साहब मिलते ही थे। देखो यहाँ पर मैंने इसको मारा, अब आगे भी टीम निकालूंगा दो में, इसको भी बीस्ट भाई को मारूंगा। ये वाला शॉट देखो सही है, आखिरी गोली में एकदम मरा भाई कसम से। चलो भाई फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक लिए बाय बाय। लाइक करो, सब्सक्राइब करो, ठीक है।